आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिले में मिले 39 नए कोरोना संक्रमित। बीजेपी नेता पुत्र सहित 29 कोरोना संक्रमित, कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 313। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिले में मिले 39 नए। बीजेपी नेता के साथ साथ उनके पुत्र और 29 लोग कोरोना संक्रमित, कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 313। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिले में मिले 39 नए कोरोना संक्रमित। बीजेपी नेता पुत्र सहित 29 कोरोना संक्रमित, बड़ी खबर सामने आई, कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 313। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिले में मिले 39 नए कोरोना संक्रमित। रायबरेली में फिर हुआ कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 53 लोग कोरोना संक्रमित। सीआईएसएफ और बीपीएम जवान भी संक्रमित, 53 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। कलेक्टिव मरीजों की संख्या हुई 193। रायबरेली में फिर हुआ कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 53 लोग कोरोना संक्रमित मिले। सीआईएसएफ और बीपीएम जवान भी मिले कोरोना संक्रमित, 53 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। कलेक्टिव मरीजों की संख्या हुई 193। रायबरेली में फिर कोरोना विस्फोट हुआ है, 53 लोग 24 घंटे में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी नेता ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जिया। बीजेपी नेता विनोद पुरवार ने उड़ाई धज्जिया, संभावित प्रत्याशी ने की प्रचार सामग्री वितरित। आचार संहिता में खुलेआम वितरित हुई प्रचार सामग्री, कार्यकर्ता बाजार में बांट रहे हैं कमल का निशान। महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी नेता ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जिया। बीजेपी नेता विनोद पुरवार ने उड़ाई धज्जिया, संभावित प्रत्याशी ने की प्रचार सामग्री वितरित। आचार संहिता में खुलेआम वितरित हुई प्रचार सामग्री। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।